तो देखो बच्चों, इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे मोशन ऑफ ए चार्ज इन ए परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर कोई परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है तो उसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल किस तरीके से मोशन करेगा, ठीक है। तो इसमें देखिए, डायग्राम से हम सबसे पहले देखते हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। अब देखिए कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हमको दे रखा है क्रॉस, ठीक है, क्रॉस का मतलब पेज के अंदर की तरफ, और अगर डॉट लगा रखा होता है तो इसका मतलब पेज से बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब देखिए यहाँ पे हम सबसे पहले आपको ये रूल समझा दें। ये रूल है हमारा कौन सा, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग अगर ये इंडेक्स फिंगर, देखो ये वाली इंडेक्स फिंगर तो बी मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करती है, मिडल फिंगर जो है वो करंट की डायरेक्शन या चार्ज फ्लो की डायरेक्शन, और जो थंब है ये थंब किसको, फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो इस डायग्राम में हम देखते हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। तो देखो ये हमें दिखा रखा है चार्ज जो है वो चार्ज की डायरेक्शन में मिडल फिंगर रखता हूँ, ठीक है, देखिए आप, और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है तो ये इंडेक्स फिंगर जो है मेरी इसको अंदर की तरफ, और चार्ज फ्लो की डायरेक्शन में, और ये तो मेरा अंगूठा देखो अंदर की तरफ मतलब सेंटर की तरफ इस पे फोर्स लगेगा, ठीक है। तो हमने ये लेफ्ट हैंड रूल लगाया और यहाँ पे देखा। अब देखिए ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो कोई भी सर्कुलर मोशन के लिए रिक्वायर्ड है कि सेंट्रिपिटल फोर्स उस पार्टिकल के ऊपर लगे, ठीक है। अच्छा, इसको जो गोल गोल घुमा रहा था, ठीक है, वो किस फोर्स की वजह से हो रहा था, मैग्नेटिक फोर्स, और ये फोर्स सेंट्रिपिटल फोर्स के इक्वल होगा। तो हमने लिखा क्यू वी बी, जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर, जो कि सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। यहाँ पे अपन अगर आर रेडियस की वैल्यू निकालें तो हमारी आएगी एम वी अपॉन क्यू बी, ठीक है, वी से वी ये कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, एम वी अपॉन क्यू बी। देखिए चार्ज क्यू, इसकी वैल्यू तो कांस्टेंट होती है, मैग्नेटिक फील्ड बी, इसकी भी वैल्यू कांस्टेंट होती है, ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन या मास ऑफ चार्ज भी कांस्टेंट होता है वी, तो आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वी के। इसका मतलब अगर जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी पार्टिकल की, उसकी जो रेडियस है मतलब उसका पाथ है वो भी बढ़ता जाएगा। और इसी तरीके से देखो हम टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं, टू पाई आर अपॉन वी, तो टू पाई आर क्योंकि सर्कुलर इसका पूरा पाथ कितना होगा, टू पाई आर, और वी वेलोसिटी, तो वी अपॉन वी इज इक्वल टू टू पाई अपॉन वी हम लिख देंगे। आर की जगह भी हमने वैल्यू निकालते हैं एम वी अपॉन क्यू बी, वो पुट कर देंगे, देखिए पुट कर दिया, तो टी की वैल्यू भी आएगी टू पाई एम अपॉन क्यू बी। और अगर फ्रिक्वेंसी हमसे कैलकुलेट कराई जाए तो वो टाइम की जस्ट रेसिप्रोकल होती है, 1/T को हम फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है आपको दिख रहा है इसका जस्ट उल्टा करेंगे, क्यू बी ऊपर 2 πm नीचे, तो ये फ्रिक्वेंसी का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। तो ये हमने क्यों स्टडी किया है, ये हमने इसलिए स्टडी किया है क्योंकि अभी हम एक डिवाइस पढ़ेंगे साइक्लोट्रॉन, जिसके अंदर ये सब चीज़ हमारे काम आएगी, ठीक है। देखो बच्चों ये आ गया साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन के अंदर हम देखते हैं कि क्या डिवाइस है ये, किस काम आती है, ठीक है। तो देखो इसको सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो साइक्लोट्रॉन हमारी डिवाइस है, साइक्लोट्रॉन जो डिवाइस है ये 1931 के अंदर इसको बनाया था लॉरेंस एंड लिविंगस्टोन, दो साइंटिस्ट थे, और ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस है जो कि एक लो एनर्जी का पॉजिटिव चार्ज है उसको एक्सिलरेट करने के काम में आती है, जैसे कि प्रोटॉन, ड्यूटेरॉन, अल्फा पार्टिकल, जो भी हैवी पार्टिकल्स हैं, ठीक है, उनको हाई एनर्जी, लो एनर्जी उनके पास होती है और ये हाई एनर्जी से उनको एक्सिलरेट कर देता है, ठीक है। अभी आप इसमें बोलोगे कि इलेक्ट्रॉन को क्यों नहीं कर सकते, तो वो लिमिटेशंस में मैं आपको रीज़न बताऊंगा इलेक्ट्रॉन्स को क्यों नहीं कर सकते। और दीज एक्सिलेटेड पार्टिकल्स आर यूज्ड इन न्यूक्लियर फिजिक्स। तो देखो हम क्या करते हैं, इन पार्टिकल्स जो भी ये हैवी पार्टिकल्स हैं इनको एक्सिलरेट करवाते हैं, और जो भी कोई टारगेट एटम है उसको हिट करवाते हैं ताकि वो टूट जाए और उसके अंदर जो न्यूक्लियस है उसकी हम स्टडी कर सकें। तो ये बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स की स्टडी जहाँ पे की जाती है वहाँ पे साइक्लोट्रॉन से हैवी पार्टिकल्स, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स को एक्सेलरेट किया जाता है, ठीक है। सेकेंड पार्ट है इसका प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पे ये डिवाइस काम करती है। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको इसका डायग्राम बताता हूँ, ये जो इसका डायग्राम है, इसके डायग्राम के अकॉर्डिंग हम अच्छी तरह देख सकते हैं कि यहाँ पे दो डीज हमारे लगे हुए हैं। देखो ये दो डीज जो है मेटल के डी होते हैं, देखो ये दोनों जो डी हैं ये मेटल के डी होते हैं, अंदर से ये होलो होते हैं, ठीक है, होलो है इसका मतलब अंदर तो कोई एटम होगा ही नहीं, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड भी कितना होगा, जीरो, और ऊपर और नीचे तो मैग्नेट लगा रखी है, नॉर्थ से साउथ इसका मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, ठीक है। और हम जानते हैं अगर मैग्नेटिक फील्ड ऊपर से नीचे आ रहा है तो चार्ज का मोशन उसके परपेंडिकुलर चारों तरफ सर्कुलर लाइंस के अंदर होगा, और अगर ऐसे करंट आ रहा होता, ठीक है, तो चार्ज का मूवमेंट ऐसे हो जाता, ठीक है। तो हमने देखा अगर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है तो उसके परपेंडिकुलर चारों तरफ ये मूव करेगा हमारा चार्ज। अब हमने देखा कि ये जो मेटल के डीज हैं
जो होलो डीज है इनको हमने एक एसी सोर्स से कनेक्ट किया है। एसी सोर्स से हम क्यों कनेक्ट करते हैं, क्योंकि देखो इसमें हम चाहते हैं कि हर थोड़े टाइम बाद एक बार ये प्लस हो, फिर ये माइनस हो, फिर थोड़े टाइम बाद में यहाँ प्लस यहाँ माइनस आ जाए, फिर यहाँ प्लस इधर माइनस, फिर इधर प्लस इधर माइनस, अल्टरनेटिवली यहाँ पर जो भी फील्ड है, ठीक है, फील्ड की डायरेक्शन हम इलेक्ट्रिक फील्ड की हम जानते हैं प्लस से माइनस, तो हम चाहते हैं हर थोड़ी देर में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चेंज होती रहे। उसका क्या कारण है वो भी अभी हम देखेंगे इस प्रिंसिपल के अंदर, ठीक है। तो ये इसका, और देखो फिर बहुत ज़्यादा जब एक्सेलेट हो जाएगा, मैंने आपको बताया हर बार इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो एम वी अपॉन क्यू बी इज इक्वल टू आर, तो अगर वेलोसिटी बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगी, तो हर बार ये स्पाइरल लूप बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, वेलोसिटी बढ़ती जाएगी, और लास्ट में हम एक ओपनिंग देके इस चार्ज हैवी पार्टिकल को यहाँ से निकाल के जो भी हमारा टारगेट होगा उसको हिट करवा देंगे ताकि वो टूट जाए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ और हम देखते हैं क्वेश्चन के अंदर कि ये क्या है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो देखो इसका जो मेन प्रिंसिपल है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है हमारा वो चार्ज को एक्सेलरेट करने का काम करता है। देखो चार्ज की काइनेटिक एनर्जी बढ़ाना या उसकी मोमेंटम को इंक्रीज करना या उसकी वेलोसिटी को बढ़ाना, ये सब काम इलेक्ट्रिक फील्ड ही कर सकता है। मैग्नेटिक फील्ड केवल और केवल डायरेक्शन ही चेंज कर सकता है, तो ये हमें याद रखना है, मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन चेंज करने के अलावा कुछ भी नहीं कर सकता। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसमें एक्सेलरेट करेगा पार्टिकल को और मैग्नेटिक फील्ड उसकी डायरेक्शन चेंज करेगा, ठीक है। तो देखो हम देखते हैं यहाँ पे इन दोनों जो स्फेरिकल, ये सॉरी जो होलो डीज है, इनके बीच में खाली जगह पे कहीं हम वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल रखते हैं जिसको एक्सेलरेट करवाना है, ठीक है। फिर सपोज यहाँ पे हमने लगाया प्लस और यहाँ पे लगाया माइनस, स्टार्टिंग में जो बैटरी अल्टरनेटिंग बैटरी चालू की तो यहाँ प्लस आया यहाँ माइनस, ये पॉजिटिव और जो बीच में चार्ज रखा होता वो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव ने पॉजिटिव को रिपेल किया तो चार्ज मूव होके इस डी के अंदर आ गया। पर डी के अंदर तो हमने देखा ये तो होलो है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा तो पार्टिकल अंदर आते ही रुक जाएगा, पर हमने क्या देखा कि नीचे से ऊपर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है। तो देखिए ये जो चार्ज है ये घूम के किनारे पे आ जाएगा यहाँ पे, तो ये पार्टिकल यहाँ से ऐसे चलता हुआ इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से घूम के इस किनारे पे आके रुक जाएगा, क्योंकि देखो जैसे ही ये बाहर आएगा तो फिर उसके बाद में मैग्नेटिक फील्ड तो ज़ीरो हो जाएगा। पर अब देखो अगर पहले अपन ने यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस माना है, और अगर ये प्लस चार्ज घूम के इधर आ चुका है, ठीक है, तो अगर यह माइनस ही रहा तब तो ये माइनस इस प्लस को जाने नहीं देगा, तो ये एक्सेलरेट कैसे होगा। तो इसलिए हमने एसी सोर्स लगाया था कि हर थोड़े टाइम में डायरेक्शन चेंज हो, तो अब नेक्स्ट टाइम क्या होगा, इधर प्लस आ जाएगा और इधर माइनस। ये जो प्लस आएगा हमारा, ये प्लस इस पॉजिटिव, जो पॉजिटिव चार्ज है इसको फिर एक्सेलरेट करेगा, ये इस मेटल डी के अंदर आके रुक जाएगा पॉजिटिव, क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, मैग्नेटिक फील्ड घुमा के इसको किनारे तक लाएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, फील्ड चेंज होगा अल्टरनेटिंग करंट की वजह से, प्लस इधर से उठ के इधर आ जाएगा, माइनस इधर चला जाएगा, प्लस प्लस को फिर फोर्स करेगा चलने के लिए, और मैग्नेटिक फील्ड घुमाता रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलेट करता रहेगा, इस तरीके से चार्ज घूमता हुआ लास्ट में जाएगा और जो भी अपना टारगेट है, ठीक है ना, जो भी इसका टारगेट है उसको हिट करेगा और तोड़ देगा। तो यहाँ पे इसका प्रिंसिपल है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड इसकी डायरेक्शन चेंज करेगा, ठीक है। अब इसकी वर्किंग हम समझ चुके हैं, इसकी वर्किंग हम समझ चुके हैं, तो कुछ फॉर्मूलाज जो हैं वो मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में, कि अगर हम देखें कि जो भी इसको सर्कुलर मूव करवाने वाला फोर्स था, उस फोर्स को हमने क्या बोला था, सेंट्रिपिटल फोर्स, जो कि मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स के इक्वल होगा, तो एम वी स्क्वायर अपन आर इज इक्वल टू क्यू वी बी, वी से वी कटेगा तो आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन क्यू बी, ये तो हम पहले ही निकाल चुके हैं। एम बी इसको हम बोलते हैं मोमेंटम, तो एम वी को लिख देंगे पी अपॉन क्यू बी। टाइम पीरियड अगर निकालेंगे तो टाइम पीरियड हमारा क्या होता है, टू पाई आर अपॉन वी, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, सर्कुलर पाथ में इसलिए डिस्टेंस टू पाई आर अपॉन वी। आर की वैल्यू लिख सकते हैं एम वी अपॉन क्यू बी, वी से वी कट जाएगा तो एम और क्यू बी नीचे आ जाएगा। अगर ये टाइम है तो फ्रीक्वेंसी इसका उल्टा हो जाएगा, क्यू बी ऊपर टू पाई एम नीचे, ठीक है। तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी भी हमने फाइंड आउट कर ली। अगर हमें इसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी हो ओमेगा, तो ओमेगा को अपन क्या बोलते हैं, टू पाई अपॉन टी, वन अपॉन टी को न्यू फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, तो टू पाई न्यू, ठीक है। और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमने निकाली थी क्यू बी अपॉन टू पाई एम, टू पाई से टू पाई कट जाएगा तो क्यू बी अपॉन एम आ जाएगा। यहाँ काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी की वैल्यू हमने निकाली थी पीछे, वो पुट करेंगे तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, ठीक है। एम से एम कट जाएगा तो क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एम, इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखे कि कुछ फॉर्मूलाज जो थे इसके लिए हमने डेराइव किए,
उनकी वैल्यूज निकाली। अब देखो लिमिटेशंस ऑफ साइक्लोट्रॉन, कि इसमें इलेक्ट्रॉन को कभी एक्सीलरेट किया नहीं जा सकता। देखो प्लस से माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है इसका, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को ही एक्सीलरेट करना चाहिए, पर ये इलेक्ट्रॉन को नहीं करेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है बहुत हल्का पार्टिकल होता है, बहुत ही उसका मास कम है, तो वो जब बहुत तेजी के साथ में एक्सीलरेट होगा तो वो वेव लाइक नेचर एक तो शो करने लग जाएगा, और अगर वो बहुत स्पीड के साथ चलेगा, ठीक है ना, क्योंकि हल्का पार्टिकल बहुत स्पीड के साथ में चलेगा, तो वो क्या होगा कि थोड़ी देर बाद में जो एसी सोर्स है हमारा उससे आउट ऑफ फेज हो जाएगा, क्योंकि जितनी देर में वो प्लस से माइनस, फिर माइनस से प्लस, प्लस से माइनस अपना डायरेक्शन चेंज करेगा, इलेक्ट्रॉन उससे पहले ही घूम के आ जाएगा, ठीक है ना। तो हल्का पार्टिकल बहुत तेज़ी से चलेगा तो ये क्या करेगा कि जो हमारा एसी सोर्स है उसके साथ में ये चल नहीं पाएगा, आउट ऑफ फेज हो जाएगा, क्योंकि जितनी देर में प्लस से माइनस ये अल्टरनेटिंग करंट की डायरेक्शन चेंज होगी उसे बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन घूम के वापस आएगा। तो हम देखेंगे कि ये प्लस और माइनस में साथ साथ अल्टरनेटिंग करंट के साथ साथ एक्सीलरेट नहीं हो पाएगा, इसलिए इलेक्ट्रॉन को हम यूज़ नहीं करते। और वैसे भी हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन काफ़ी हल्का पार्टिकल है, अगर किसी को हिट भी करेगा तो तोड़ नहीं पाएगा उसे। दूसरी लिमिटेशन की न्यूट्रल पार्टिकल्स कैन नॉट बी एक्सीलरेटेड, इसमें जो न्यूट्रॉन्स हैं उनको हम एक्सीलरेट नहीं कर सकते, ठीक है, जो भी हल्के पार्टिकल्स हैं उनको हम एक्सीलरेट नहीं कर सकते हैं। और सॉरी देखो न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल्स, क्योंकि प्लस से माइनस, सॉरी ये जो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं इनमें प्लस से माइनस तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस पे कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं न्यूट्रल पार्टिकल्स पे, तो हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एक्सेलरेट ही नहीं कर पाएगा, इसलिए न्यूट्रल पार्टिकल्स को भी इसमें एक्सेलरेट नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी मास तो न्यूट्रॉन्स का अच्छा ही होता है हम जानते हैं, पर एक्सेलरेट नहीं हो पाएंगे, और क्योंकि इसमें चार्ज पार्टिकल ही एक्सेलरेट हो सकते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपन फोर्स ऑन सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कैरिंग कंडक्टर रखा हुआ है, कोई रोड रखी हुई है, ठीक है, तो उस पर कितना उसकी वजह से फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में अगर रखी हुई है कोई, तो देखो हम देखते हैं यहाँ पे जब भी कोई करंट कैरिंग रोड किसी मैग्नेटिक फील्ड में होगी तो उस पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी वी क्रॉस बी। अब यहाँ पे कोई करंट कैरिंग सर्कुलर रोड मान रहे हैं हम, कोई वायर मान रहे हैं, तो वहाँ इलेक्ट्रॉन्स चलेंगे, तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए वी की जगह हम वी डी लिख रहे हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अच्छा टोटल चार्ज ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर में टोटल चार्ज कितना होगा, तो देखो हमने जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला डायग्राम था वो हम याद करेंगे, तो ए इंटू एल एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम, वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे एन, और हर एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना था ई, तो टोटल वॉल्यूम में कितने हो गए एन ई ए एल, ए एल एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम, वॉल्यूम में एन अगर हमारे पास में इलेक्ट्रॉन्स थे और सब पे चार्ज ई था, चार्ज चार्ज की वैल्यू तो फिक्स ही होती 1.6 × 10⁻¹⁹, और अगर एन थे तो मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। फोर्स हमारा गया एफ इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, क्यू की जगह हमने लिखा एन ई ए एल लिख दिया, वी डी की जगह वी डी लिखा हुआ है, बी साइन थीटा एज इट इज़ लिखा हुआ है, ठीक है। एन ई ए एल क्यू की जगह हमने पुट किया था, अब देखो यहाँ से एन ई ए वी डी इसको हम अलग निकाल लेंगे, तो एन ई ए वी डी इसको हम क्या लिख सकते हैं आई, हमने रिलेशन निकाला था ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट में आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, तो ये इसकी जगह हम आई लिख सकते हैं, तो फिर बचेगा आई एल बी साइन थीटा, ठीक है, हमारे पास आया आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा आया, तो हमने देखा ये देखो यहाँ लिखा हुआ है आई एल बी साइन थीटा, तो आई करंट है वो तो कॉन्स्टेंट है, हम इसको लिख सकते हैं एल क्रॉस बी, आई को तो हमने बाहर लिया, एल क्रॉस बी क्रॉस सॉल्व होगा तो देखो साइन थीटा आ जाएगा। तो अगर कोई हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, या कोई करंट कैरिंग रोड है, तो अगर हम उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उस पर कितना फोर्स लगेगा उसका ये फॉर्मूला है। इससे पहले एक और फॉर्मूला आपने देखा था, फोर्स के दो फॉर्मूला मैग्नेटिक फील्ड वाले चैप्टर में अभी तक आए, एफ इज इक्वल टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी और आई इंटू एल क्रॉस बी, ठीक है ना, आई एल बी साइन थीटा और क्यू वी बी साइन थीटा,